हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ वुमेन T20 सीरीज़ का थाईलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो मैच होने वाला है, तो वो कवर करने जाऊँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जो अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में था, उसके एनालिसिस मैंने कर दिया और अपलोड भी कर दिया, तो आप जाके उसे देख सकते हो अगर आप चाहते हो। तो अगर आप यहाँ से मैंने यहाँ पर ये आज ये कवर करने वाला हूँ, तो ये दो वीडियो शायद से अपलोड ना हो क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो फिर शायद से मैं इस वीडियो के बाद सो सकता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। ये दो वीडियो पॉसिबल नहीं होगा, होगा तो फिर मैं अगर एक आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे पहले ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का है, तो वहाँ पे कोई भी की प्लेयर्स मुझे पता होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको ऑप्शन दे दूंगा। तो आप पहले लिंक दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर दीजिए और इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल में, क्योंकि आपको यहाँ से मिल जाएंगे इंग्लिश OTT कप्स के सारे रिपोर्ट्स, तो वो सारे मैं आपको सो मॉर्निंग में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो के बाद थाईलैंड और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं आपको बता दूँ तो 10th मैच होने वाला है थाईलैंड और बांग्लादेश के बीच में, कनाडा अकेडमी ओवल है जहाँ कुआलालंपुर सिटी में होने वाला है। जून 7 को 7 AM के आसपास होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और 9:30 ग्लोबली होने वाला है। तो आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं थाईलैंड वर्सेज बांग्लादेश के जो न्यूज़ है उनके बारे में, अभी तक कोई चेंजेस आई नहीं है, अगर कोई भी आती है तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो थाईलैंड के प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिल विकेट कीपर ननापट है, फिर यहाँ से बैट्स वूमेन में मिल जाएंगे नटाकन नमरूल, फिर श्रीनित्रिया। तो ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे, अच्छे खासे ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थाईलैंड बांग्लादेश के हिसाब से। बांग्लादेश जितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में। ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से टिपोज है जो जिनकी कैप्टनसी भी करते हुए नज़र आ जाएंगे और ऑलराउंडर भी है, और फिर यहाँ से नटाया। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है, तो आप यहाँ दोनों में से कोई भी एक भी या फिर दो पिक कर सकते हो आपकी मर्ज़ी। अब तो बोलर्स की मैं बात कर लेते हैं, रटाना पॉन है, फिर यहाँ से वोंग पक्का है, फिर यहाँ से सुलीम पॉन है, फिर यहाँ से चंदानी है और यहाँ से सिनामिन है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। तो अब कर बात कर लेते हैं बांग्लादेश के प्लेइंग 11 के बारे में, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे विकेट कीपर शामिना सुल्ताना, अच्छे खासे विकेट कीपर के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, से स्मॉल लीग में आपको वही दिख जाएंगे। मैच वूमेन की बात कर लेते हैं, आयशा है, फिर निगर है, फिर फरगना क्यू है और यहाँ से इस्लाम मिल जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास यहाँ पे बैट्समैन में, आप ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के टीम में से पिक कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा सेफ रहेंगे और ज़्यादा विन करने के भी चांसेस बन जाएंगे। ऑलराउंडर्स में आप कर लेते हैं अहमद है, तो ये एक ऑप्शन अच्छी खास है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल सकते हैं यहाँ से। यहाँ का बोलर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से कुबरा है, फिर अख्तर है, फिर यहाँ से फ़हीमा है, फिर यहाँ से अलम है और फिर सलमा है। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया है, तो विकेट कीपर ज़्यादा से ज़्यादा बोलर्स भी यहीं से पिक करने के ट्राई कीजिए, मतलब यहाँ से दो ले लीजिए और थाईलैंड में से एक या फिर तीन या फिर यहाँ से एक, ऐसा कुछ ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे थाईलैंड वर्सेस बांग्लादेश का पूरा का स्क्वाड का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब बात कर लेते की प्लेयर्स के बारे में, तो आप थाईलैंड के की प्लेयर्स के बारे में जान सकते हो। तो यहाँ से की प्लेयर्स में आप सब मिल जाएंगे, चानीदा मिल जाएंगे, टिपोच है, फिर यहाँ से पुड़ू लीड है, फिर यहाँ से वोंग पक्का है, फिर यहाँ से नटकन है, फिर यहाँ से मिल जाएंगे यहाँ से आपको निरुमोल है, फिर यहाँ से नटैया। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से आपको की प्लेयर्स की तरफ से मिल जाएंगे, तो आप इनमें से आप पिक कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको की प्लेयर्स बता देता हूँ, बांग्लादेश की तरफ से शर्मिना सुल्ताना है, फरगाना होक्यू है, फिर रुमाना अहमद, ये तीनों भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। सलमा है, फिर उसके बाद नईदा अख्तर है और फिर कुबरा ने पहले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन अभी एक दो मैचेस से थोड़ा कम डल परफॉर्मेंस है, होप है कि अभी इस मैच में वापसी कर सकते हैं। तो ये अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो चलते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम बता देता हूँ। यहाँ पे थाईलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो मैंने एक टीम बनाई है, तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एडिट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने लिया हुआ है शालमिना सुल्ताना को लिया हुआ, तो यहाँ से आप नाना पट को भी एक ट्राई कर सकते हो अगर आपको थोड़ा
थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पे शर्मिना सुल्ताना एक आपको स्मॉल लीग में आपको यही दिख सकता है। तो यहाँ से आप अगर ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अब कर लेते हैं बैट्समैन की तरफ से। तो बैट्समैन में आपको फरगाना हॉकी मैंने लिया हुआ है, यहाँ से नताकन को लिया हुआ है और निगर सुल्ताना को लिया हुआ है। तो ये तीन मैंने ऑप्शन यहाँ से पिक किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शंस की। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है रुमाना अहमद को, फिर नटैया को लिया हुआ है और फमीना कोल्ताना फहीमा को लिया हुआ है। तो ये तीन बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो तो आप टिपोन्च को साथ भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस है, सबसे बढ़िया ऑप्शंस है। तो आप इनमें से कोई भी तीन पिक कीजिएगा। तो दो के साथ मत जाइएगा, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए अगर सेफ लीग स्मॉल लीग आपको जीतना है। तो यहाँ से आप तीन ही चूज़ कीजिएगा ऑलराउंडर में। और यहाँ पे मैंने बॉलर्स मैंने ज़्यादा बांग्लादेश की तरफ से रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम मुझे लगती है। तो मेरे हिसाब से बॉलर्स ज़्यादा विकेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, आपको कुबरा को लिया हुआ है, यहाँ से चना दिया को लिया हुआ है, अख्तर को लिया हुआ है, और तो ये तीन ऑप्शन मैंने लिया हुआ है, और फिर यहाँ से वोंग पक्का को लिया हुआ है। तो ये मैंने चार ऑप्शंस यहाँ से पिक किए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से भी जा सकते हो। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया हुआ है कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। तो यहाँ से आप मैंने कैप्टन रखा हुआ है रमुना अहमद को, जो मोस्टली सब पब्लिक रखेंगी स्मॉल लीग में, तो आप उन्हें मिस करना और रिस्की हो सकते हो। और समीना सुल्ताना को मैंने वाइस कैप्टन रखा हुआ है, तो आप जा सकते हो। आपको मैं और सारे कैप्टन बता देता हूँ, ऑप्शंस बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो यहाँ से मैंने आपको बता देता हूँ, फरगाना हॉकी के साथ जा सकते हो, नवीन सुल्ताना है, ये आप इन्हें ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। फिर यहाँ से आप अहमद को रख सकते हो, फिर कुबरा को आप ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन ग्रैंड लीग में। अख्तर को आप रख सकते हो, उन्हें भी आप ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप इनमें से ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी तो सेफ मैंने ऑप्शन कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने बता दिए सेफ कौन से हैं। दोनों भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी तक। तो इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।